हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इर्तिका। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा हॉल लेकर आई हूँ। रिसेंटली हम लोग गुड़गांव गए थे और गुड़गांव में बंजारा मार्केट बहुत फेमस है, आप सबको पता ही होगा। तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम गए थे एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली हम लोगों को लेना तो सेंटर टेबल था अपने लिविंग हॉल के लिए, बट जो हम लोगों की थीम थी उसके साथ में थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा था। बट और बहुत मतलब और छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोगों ने ली अपने घर के लिए, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि कैसा रहा, क्या क्या हम लोगों ने परचेज़ किया। तो गाइज, थोड़ा सा मैं बंजारा मार्केट के बारे में बता दूँ। गाइज, आपको मतलब बहुत अच्छी वैरायटी आपको बंजारा मार्केट में मिलेगी रिलेटेड टू होम डेकोर, क्रॉकरी, और मतलब कुछ अगर जो लेटेस्ट जो लाइटिंग कर रहता है, लैम्प वैम्प, ये सारी चीज़ें मतलब एक से एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें गाइज आपको मिलेगी। और मतलब जब मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तो मतलब मुझे ऐसा होता ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी परचेज कर लो, बट कुछ ही कुछ चीज़ें हम लोगों ने छोटी छोटी सी ली जो हम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से थी। ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं लिया और बहुत अच्छी वैरायटी गाइस। ऐसा मतलब ऐसा ये नहीं है कि वहाँ पे बहुत आउटडेटेड ओल्ड फैशन टाइप का आपको मिल रहा है, आपको रिसेंट मतलब जो आपको मतलब ट्रेंड में चल रही वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। और गाइज, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो बंजारा मार्केट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, आपको बहुत अच्छा बार्गेन करना है, बहुत 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 अच्छी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मतलब आपको 1/4, अगर वो लोग पता नहीं कि जितना भी अमाउंट बता रहे हैं उसका आपको 1/4 अमाउंट आपको बताना है। और क्वालिटी गाइस, जो भी हम लोगों ने ली उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब ऐसा कुछ मतलब ख़राब या वैसा कुछ नहीं रहा। तो गाइस शुरू करते हैं। उसके पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर गाइस कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। गाइस, थोड़ा सा 2 मिनट में अगर आप लोग कमेंट कर देते हो तो हम लोग थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छे अच्छे और हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, हम लोगों को और खुशी मिलती है। तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कर अगर ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो। और गाइज, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आप लोगों को और कौन से नेक्स्ट मतलब वीडियोस और कौन कौन से आप लोग वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा गाइज। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, सबसे पहले हम लोगों ने लिया सेरेमिक का मग। तो मुझे और फहद को मतलब फहद मेरे हस्बैंड, तो उनको बहुत मतलब हम दोनों को मग का बहुत शौक है मग का, तो हम लोगों ने सबसे पहले सेरेमिक के मग लिए। और मुझे आजकल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सेरेमिक के मग बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा था क्रॉकरी भी सेरेमिक की लो, तो सेरेमिक की क्रॉकरी तो थी मेरे पास, बट मग हम लोग बहुत टाइम से बहुत अच्छा कुछ ढूंढ रहे थे, तो ये हम लोगों को मग बहुत पसंद आया। मतलब ग्रे कॉम्बिनेशन में है और ऑफ वाइट का, ग्रे कलर और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा कुछ मतलब थोड़ा नया कुछ लग रहा था, वरना ज़्यादातर सब ब्लैक में ही सेरेमिक के थे, तो कुछ अलग हट के लेना चाह रहे थे हम लोग, तो हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगा, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इसके साथ में ब्लू भी था गाइस, जो इंडिगो का कलर होता है वो भी था, बट हम लोगों को ये कुछ डिफरेंट अच्छा लगा, तो हम लोगों ने पेयर में ये लिया। और इसी के साथ में हम लोगों ने एक ऐसा बड़ा सा कप लिया, तो ये गाइस आप सूप के लिए यूज़ कर सकते हो, आप कॉर्नफ्लेक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी पर्पज़, आपको जो भी मतलब जिस चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हो। तो हम लोगों ने तो नॉर्मली कॉर्नफ्लेक्स के लिए ये लिया, अच्छा लग रहा था बड़ा। तो और एक ये छोटा सा बोल मतलब कटोरी कह लीजिए, बोल कह लीजिए, जो भी था, ये मैंने मेरी बेटी के लिए लिया, मुझे अच्छा सा क्यूट छोटू सा अच्छा सा लग रहा था, तो ये 20 रुपीज़ का उन्होंने लगा दिया था। और ये जो तीनों चीज़ मग और ये जो कप थे वो उन्होंने 350 बोला था, और उन्होंने मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा बार्गेन किया तो 200 में उन्होंने आराम से दे दिया था। और हम लोगों ने फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टार्ट ऑफ शॉपिंग यही था, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा बड़ा आइटम नहीं लिया था वहाँ से, तो हम लोगों ने इतना बार्गेन नहीं किया, 200 हम लोगों को ठीक लगा, तो 200 में उन्होंने ये दिया, अच्छा था। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन कलर ये सारी चीज़ क्वालिटी अच्छी थी सेरेमिक की, ऐसी कुछ मतलब क्रैक या वैसा कुछ नहीं था, आप देख रहे हो फिनिशिंग बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी, आप देख रहे होगे, तो अच्छा था। आप देख के भी आइटम वहाँ से परचेज करेंगे कि कहीं कुछ क्रैक या कुछ वैसा ना हो करके। और उसके बाद में गाइज हम लोगों ने डोरमेट लिया,
वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रंग भी बहुत अच्छे खूबसूरत से थे, बट डोरमेट का मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी, मतलब इसकी फिनिशिंग आप गाइस देख रहे होगे, ऐसा भी नहीं बहुत चीप मटेरियल नहीं यूज़ किया है, बहुत ये जो कॉम्बिनेशन था ना मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये मैंने लिया था। इस ये मैंने एक्चुअली रेगुलर पर्पस के लिए नहीं लिया कि मैं इसको डेली यूज़ करूँ, मैंने इसको मतलब कोई ओकेजन है या कोई गेस्ट आ रहा उसके लिए मैंने ये लिया हुआ है, तो ये लिया था। और इसी के साथ में वो मतलब दो ऐसे बेच रहे थे, तो ये एक मैंने लिया, ये ऑफ वाइट कलर का है गाइस। और डोरमेट मतलब जो इसकी जो मतलब लंबाई या चौड़ाई, मतलब ऐसा नहीं बहुत छोटा छोटा है, मतलब ये अच्छे खासे लंबे लंबे हैं, आप इसकी देख रहे होगे। और ये भी कलर अच्छा था, ये लाइट, मतलब ये दोनों भी लाइट कलर है, इसीलिए मतलब मैं डेली नहीं इसको यूज़ करूँगी, मैं कोई जब कोई गेस्ट होगा या कोई अच्छा ओकेजन होगा उसके लिए मैंने इसको स्पेशली लिया हुआ गाइस। और इन दोनों के प्राइस वैसे तो उन लोगों ने, उन्होंने 400 में बोला था, फिर कम करके उन्होंने 300 लगा दिया दोनों के, तो मतलब 150, तो बुरा नहीं लगा क्योंकि गाइस क्वालिटी अच्छी थी, मतलब ऐसी वैसी क्वालिटी नहीं थी, दोनों की भी अच्छी क्वालिटी थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक लगा, प्राइस बहुत ना वैसा था, प्राइस बहुत ज़्यादा इसका नहीं लगा हम लोगों को, क्वालिटी बहुत अच्छी थी दोनों की भी। उसके बाद में गाइस हम लोग ने फिर से मतलब मग लिया, तो मग इस बार मतलब खुद के लिए नहीं लिया, कोई किसी को गेस्ट को देने के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स में ही किसी को गिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने ले लिया, पसंद आ रहा था। तो ये गाइस ये कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर देखिएगा, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये 50 rupees का था, 50 rupees पर पीस, तो अच्छा लगा क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत ना छोटा है ना बहुत बड़ा है, एक स्टैंडर्ड साइज़ है इसका। और फिनिशिंग मतलब बहुत अच्छी, मतलब मैं इनको मतलब बार बार बोल रही थी कि मुझे बहुत दूर लेके जाना है, बहुत दूर लेके जाना है, तो आप अच्छा देना, तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिएगा, अगर टूटा कहीं क्रैक होगा तो आप मुझे वापस ला के दे देना, तो मैंने भी चेक किया आपका, तो कहीं से कोई क्रैक या वैसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे ये कलर मुझे बहुत नया, कुछ न्यू कलर लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये दो ले लिए थे। और 50 rupees में गाइस और क्या चाहिए, मतलब नॉर्मल मार्केट में 100 to 100 rupees में मिलते हैं आपको, वो भी सेरेमिक के हैं, तो अच्छा था, मतलब अच्छा कलर कॉम्बिने, मतलब अच्छा कलर था ये, तो ये हम लोगों ने दो ऐसे पेयर ये लिए थे, ये 100 में मतलब दोनों मतलब मिला के 100 में पड़ा। और फिर उसके बाद में ऐसे भी सेम ही जो पैटर्न था उसी में ही हम लोगों ने ग्रे कलर में ये लिया, ये भी हम लोगों ने कोई या तो मैं मेरी मम्मी को गिफ्ट कर दूंगी या तो फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को, जिसको जैसा हम लोगों को ठीक लगेगा जैसा होगा, वरना दोनों को एक को कर देंगे करके, तो ये हम लोगों ने लिया कलर, ये भी अच्छे कलर कॉम्बी, मतलब ये भी कुछ ग्रे अच्छा लग रहा था हम लोगों को, तो ये हम लोगों ने ये किया, ये भी 50 rupees का ही था गाइस, सेम कलर ये था। फिर उसके बाद में गाइस हम लोगों ने लिया, एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो नहीं ले रहे थे, बट मैंने बहुत उनको फोर्स किया क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप सबको पता है कोविड की सिचुएशन में, और लैपटॉप में काम कर करके तो बैक में बहुत पेन होता है, तो ये हम लोगों ने एक लैपटॉप टेबल लिया वुडन का, और ये ऐसे इसका ये ऐसे होगा, आपको इसको टेबल पे रखना है, आपको अपने बेड पे काम करना है, लेट के करना है, बैठ के करना है, आप इसको रख सकते हो, बहुत स्टडी टेबल है ये, अच्छे से हम लोगों ने इसको चेक किया, मेरे मतलब हस्बैंड मतलब फहाद तो बिल्कुल भी नहीं लेने के मूड में थे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यूज़फुल चीज़ है, ये काम आएगी अगर आप को मतलब अपने बच्चों के लिए यूज़ करना है स्टडी टेबल के लिए, तो वो भी एक अच्छा है कि कंफर्टेबल होके बच्चे उस पर आराम से लिख सकते हैं, मतलब मेरी छोटी बेटी अभी से इस पर, उसको बहुत पसंद आया ये, तो ये उस पर ही बहुत खेलती कूदती रहती है। और इसमें साथ में एक बॉक्स भी ऐसे ये दिया हुआ है, तो अगर आपको पेन रखना है या कोई छोटा सा मतलब नोटबुक टाइप का रखना है, ऐसे है ये, आपको रखना है आप रख सकते हो, ये बॉक्स है। और गाइस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टडी है, और मतलब ऐसा ऐसे नहीं कि जो लकड़ी ख़राब होती है वैसे उसका, बिल्कुल भी वैसा नहीं, क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन भी देखा था फहद के लिए, तो जब ऑनलाइन देखा तो वुडन तो मिल नहीं रहा था, और वैसे जो मिल रहा था वो फाइबर या प्लास्टिक के मिल रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे, मतलब उतने वर्थ इट नहीं लग रहे थे। ये बोल ये इसका जो प्राइस उन्होंने बोला था 1800 बोला था, बहुत बार्गेन करने के बाद में उन्होंने 1200 में दे दिया, मतलब 1200 में आपको और क्या चाहिए, क्वालिटी वुडन की है, तो मतलब मुझे लगा कि मैं अच्छा मतलब प्राइस है, ठीक है, ये काम की चीज़ है, ये काम आएगी कल को, मतलब मेरी बेटी को भी यूज़ करना हुआ वो भी यूज़ कर सकती, मुझे कभी कुछ काम करना है तो मैं भी इस पर बैठ के अपना एडिटिंग का या जो भी चीज़ है कुछ लिखना है कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़। तो गाइज ये था, ये मल्टीटास्किंग वाली चीज़ है, ये
ये ऐसे वुडन का ये पूरा बना हुआ है, थोड़ा सा हैवी है, बहुत हैवी नहीं है ये, और अच्छी क्वालिटी है ये, बिल्कुल भी ख़राब क्वालिटी नहीं है ये। और इस पर ये मल्टीपर्पज़ इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इस पर कुछ डेकोर का आपका कुछ आइटम रखना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस पर आपको बैठना है बहुत स्टडी, आप इस पर बैठ भी सकते हो, और कुछ कभी कोई गेस्ट आ रहा है अगर टेबल छोटी पड़ रही है तो आप उसके लिए भी, सर्विंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ हम लोगों को लगी थी, इसमें ऐसे यहाँ पे आगे ये बॉक्स दिया हुआ है, इसका साइज़ आप गाइस देखो, मतलब ये तीन इसका साइज़ ही है, मतलब बहुत अच्छा साइज़ था। और जो कॉम्बिनेशन में था, इसमें दूसरे भी कॉम्बिनेशन थे डार्क ऐसे वुडन में, ये डार्क कलर का भी था, बट हम लोगों को ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, हम लोगों के हॉल के थीम के हिसाब से ये कलर अच्छा जा रहा था, तो ये इसका ऐसे ही है। अब देख बहुत खूबसूरत लगा था, मतलब पसंद आया था, बट मुझे ये था कि इसका कोई यूज़ नहीं, बट जब घर मतलब इसको रखा रूम में तो ये बहुत अच्छा लगा था, कुछ अच्छी चीज़ लग रही थी ये, तो ये मल्टीपर्पज़ चीज़ अच्छी लगी। इस पर आपको बेडरूम में या अपने लिविंग हॉल में या जहाँ पे भी आपको रखना हो, न्यूज़पेपर हो गए या कोई मेकअप से रिलेटेड कोई चीज़ आपको रखनी है, कपड़े वपड़े भी इनफैक्ट आप रख सकते हो क्योंकि इसमें स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है। ड्रेसिंग टेबल के लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहो साइड में या बैठने के लिए, वो भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने तो इसको गाइस लिविंग अपने हॉल के लिए रखा हुआ था, टीवी यूनिट के साथ में हम लोगों ने भी फिलहाल के लिए तो रखा हुआ है, तो ये अच्छा लग रहा था हम लोगों को बहुत, मतलब बाद में तो मुझे पसंद आया जब फहद ने इसको रूम में रखा, तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। और इसका जो साइज़ था गाइस, इससे छोटा भी था, ये स्टैंडर्ड साइज़ था, और इससे बड़ा भी था, तीन अलग अलग इसके साइज़ थे, तो छोटा तो बहुत छोटा हो रहा था, ये एक मीडियम साइज़ लग रहा था, आप देख रहे हो ये एक मीडियम साइज़ था, इससे बड़ा बहुत बड़ा हम लोगों को नहीं लगा कि ज़रूरत है, ये इतना मीडियम स्टैंडर्ड साइज़ ठीक था रूम के लिए। तो इसका प्राइस, इसको बार्गेन करने के लिए गाइस बहुत टाइम लग गया था क्योंकि वो रेट ही नहीं कम कर रहे थे, चीज़ भी हम लोगों को लगी कि हाँ चीज़ भी वैसी है, बट ये था कि बार्गेन करने में हर्ज क्या, अगर वो लोग कम करते तो फिर अच्छी चीज़ हम लोगों को मिल जाएगी। इसका रेट उन्होंने बोला था लगभग 2000 के, इसमें कम करते करते 1800 पे आए, 1800 से फिर 15 पे, फिर 1500 के इसमें से तो कम ही नहीं कर रहे थे, तो फिर बाद में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है नहीं लेते हैं ये, कोई बात नहीं कैंसिल करते हैं। फिर लास्ट में मतलब बहुत उस पर थी कि नहीं और कम, बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिर मैंने 1100 बोला, मैंने कहा 1100 डन, उससे ऊपर मैं दूंगी ही नहीं, तो कहे नहीं मतलब ये नहीं, मतलब बाद में मुझे भी लगा कैसे, तो नहीं मैंने बहुत ज़्यादा कम बता दिया क्योंकि चीज़ अच्छी थी ये, तो फिर बस बाद में वो मान गए, मतलब इजीली वो मान गए, और मतलब मैंने बोला कि यार मतलब थोड़ा सा मुझे डाउट भी है कहीं ऐसे तो नहीं चीज़ ख़राब है, तो उन्होंने मतलब बहुत अश्योरिटी दी कि अगर आपको ज़रा सा भी कहीं कुछ लगेगा कि वुड का ऐसा काम खराब है, फ़ौरन आप वापस ला के दे सकते हो, इसमें कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ ख़राब की मतलब बात ही नहीं आएगी, तो अच्छी चीज़ ये मिल गई, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वुडन के आइटम गाइस आपको पता ही होगा कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये अच्छी क्वालिटी मतलब लगी हम मुझको कि अच्छी क्वालिटी में मिल गया चीज़, और अच्छी है, मल्टीपर्पज़ चीज़ है, और क्या चाहिए आपको 1100 में, मतलब मुझे लगा कि और क्या चाहिए, ठीक है यार अच्छी चीज़ है ये। तो गाइस ये छोटा सा था मेरा बंजारा मार्केट का मिनी हॉल, ज़्यादा कुछ और हम लोगों ने नहीं परचेज़ किया क्योंकि जो पर्पज़ से हम लोग गए थे सेंटर टेबल के लिए वो नहीं मिला था, और भी चीज़ें थी बट बहुत लेट हो रहा था तो हम लोगों ने और कुछ परचेज़ नहीं किया, तो बस हम लोगों ने इतना ही लिया गाइस। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो, और जो लोग नहीं गए हैं तो आप लोग एक बार प्लीज़ विज़िट करिएगा बंजारा मार्केट जो गुड़गांव में है, और दिवाली आ रही है तो आप लोग अपने घर को डेकोर करने के लिए ले सकते हो, वहाँ पर एक बार चेकआउट ज़रूर करो आप लोग, तो अच्छा है वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं गाइस, बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत बड़ा मार्केट है वो, बहुत बड़ा ही मार्केट है, इतना मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मतलब मुझे था कि हाँ ठीक है मतलब मीडियम उतने उस पर होगा इतना, लेकिन वो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अच्छा, मतलब आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ से, बहुत अच्छी क्रॉकरी प्लेट्स और सर्विंग बोल्स, मतलब बहुत अच्छी क्रॉकरी के भी बहुत अच्छे आइटम्स थे वहाँ पे, तो आप एक्सप्लोर गाइस ज़रूर करिएगा स्पेशली दिवाली के पर्पज़ से, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर जाइएगा वहाँ पे, आप लोगों को अच्छी अच्छी नई नई वैरायटी ज़रूर मिलेंगी वहाँ पे।
तो गाइज ये था मेरा बहुत छोटा सा मतलब मिनी हॉल टाइप बंजारा मार्केट का। आई होप गाइज आपको पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।